नमस्कार, स्वागत है आपका जय जय न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत कुछ ऐसी खबरों के साथ जिन्हें जान आप हो जाएंगे हैरान। हल्द्वानी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 से संबंधित मतों की MBBG कॉलेज हल्द्वानी में गणना के दौरान मतगणना परिसर के अंदर और मतगणना परिसर के बाहर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के मतगणना एजेंट और कार्यकर्ता होने के कारण टकराव की स्थिति बनी रहती है। इस कारण मतगणना परिसर के अंदर और बाहर मतगणना के दौरान लॉ एंड ऑर्डर, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर सुनगर के समीप मध्य प्रदेश के यात्रियों के वाहन पर पहाड़ी से बोल्डर टूट कर गिर गया। बता दें, हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, तो वहीं वाहन में आगे बैठे यात्री को गंभीर चोट आई, लेकिन वाहन चालक ने अपनी सूझबूझ से वाहन को वहां से निकाल कर घायल यात्री को गंगनानी स्थित एक निजी क्लिनिक में पहुंचाया। यहां पर यात्रियों में सेकवार को मृत घोषित कर दिया गया। उधर स्थानीय लोगों ने शव को ले जाने के लिए 108 को बुलाया, लेकिन 108 ने शव को ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद गुस्सा स्थानीय लोगों ने करीब 15 मिनट तक वहां जाम लगा दिया। स्थिति को देखते हुए 108 कर्मी शव ले जाने के लिए तैयार हुए। पुलिस के अनुसार वाहन में मध्य प्रदेश के 8 यात्री सवार थे। एक मृतक यानी मृतक के अलावा बाकी अन्य 7 लोग सुरक्षित हैं। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस के हाथ एक और सफलता लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शनों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी हल्द्वानी से ही इंजेक्शन खरीदता था, जहां SSP प्रहलाद नायमीना ने जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ ही उनकी धरपकड़ के लिए माथतों को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी तहत भनभूपुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोला बाईपास से होते हुए आमला चौकी गेट के पास पहुंचे। वहां संदिग्ध हालत में खड़े युवक को धर दबोचा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 6 इंजेक्शन बरामद हुए। बहरहाल, आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया गया है। खटीमा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बहरहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं रघुलिया निवासी धर्मेश सिंह उर्फ सोनू बिजली फिटिंग का काम करता था और सोमवार की सुबह बिजली फिटिंग के कार्य से खटीमा आया हुआ था, जिसमें दोपहर 2 बजे वो मुंडेली के पास रेलवे के गेट नंबर 26 पर टनकपुर से पीलीभीत जा रही ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के कमांडर ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने शिष्टाचार भेंट की। मिली जानकारी के मुताबिक रानी के प्रवास के दौरान आर्मी कैंट स्थित कुमाऊं लॉन्ज अतिथि गृह में मुलाकात के दौरान सेंटर के संबंध में कई विषयों पर वार्ता हुई, जिसमें मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में हल्द्वानी में वॉर मेमोरियल वाइस एवं गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए भूमि और कैची धाम के निकट आर्मी के ट्रांजिट कैंप के लिए भूमि आवंटन के अनुरोध पर सैनिक कल्याण मंत्री ने फोन पर जिलाधिकारी नैनीताल से वार्ता की और KRC को भूमि आवंटन करने समेत कार्रवाई को तेज गति से करने के निर्देश दिए। फिलहाल इन खास खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे जे न्यूज। धन्यवाद।